हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। एक न्यू अपडेट निकल कर आ चुकी है जो कि जॉब से रिलेटेड है। जेएंड के न्यू क्लास फोर्थ जॉब्स 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत सारे विलेजेस के लिए ये पोस्ट्स हैं, 8th 10th 12th पास पोस्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, न्यू क्लास फोर्थ पोस्ट्स हैं जिसके लिए आपको कोई भी फी नहीं रहने वाला है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं रहने वाला है, सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू बेसिस पर आपका एग्जाम रहने वाला है। सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आ चुके हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आप किस डिस्ट्रिक्ट किस विलेज से बिलोंग करते हो। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट्स और कितने पोस्ट्स हैं, एज क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आपको सैलरी क्या रहने वाली है, साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। पहला जो पोस्ट है वो है हेड कुक। इसके लिए एक पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ फीमेल्स एलिजिबल है और साथ में इसकी एज रहने वाली है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसी तरह इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th पास मिनिमम या इक्विवेलेंट होनी चाहिए हैविंग कुक एक्सपीरियंस। अगर इससे ज्यादा भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कुक। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए एक पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ फीमेल एलिजिबल है, मिनिमम आपकी एज रहने वाली है 18, मैक्सिमम 35 ईयर्स। सेम इसके लिए मिनिमम आपकी 10th पास क्वालिफिकेशन रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है वॉचमैन चौकीदार। इसके लिए एक पोस्ट है जिसके लिए मेल एलिजिबल है और सेम एज रहने वाली है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसी तरह सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है मिनिमम 10th पास और इक्विवेलेंट। अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 12th पास भी हो, ग्रेजुएशन भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट पोस्ट है सफाई वाला, एक पोस्ट जो फीमेल्स यहाँ पर एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, सेम एज रहने वाली है मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे मिनिमम आपकी 8th पास रहने वाली है और अगर आप 10th पास भी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एज पर आपको समग्र नॉर्म्स के तहत मिलने वाली है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ वेटेज दी गई है। 80% आपको 10th क्लास मार्क्स पे रहने वाले हैं और 20% ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कुकिंग। इसी तरह और साथ में यहाँ पर इंटरव्यू भी रहने वाला है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फुल डिटेल्स। इसी तरह अगर हम जनरल कंडीशन की बात करेंगे कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, जितने भी कैंडिडेट्स रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 ईयर के लिए ये पोस्ट्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, आपको एज सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, एक्सपीरियंस या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेल्फ अटेस्टेड साथ रखने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पर आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो यह है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट हायरिंग ऑफ स्टाफ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हंड्रेड एंड बेडेड गर्ल्स हॉस्टल एट सरताल किश्तवार। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विद मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये फॉर्म देख सकते हो। साथ में बात करेंगे कौन कौन से विलेज के लिए ये पोस्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी रेन्यू विलेजेस हैं, कारूल, अग्राल, लावा, झनवास, द्रब एंड गहन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशनड फॉर द बिलो मेंशनड पोस्ट्स। ये यहाँ पर विलेजेस दिए गए हैं, रेन्यू विलेजेस, यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो तो ये एप्लीकेंट्स ये इसके लिए एलिजिबल हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 31st ऑफ अगस्त 2023 रहने वाला है। 2 PM आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। कहां पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, यहां पर आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल HSS सरथाल बाय आर बिफोर 31st ऑफ अगस्त 2023। यहां पर आपको जाना है फिजिकली और अपना फॉर्म सबमिट करना है। साथ में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जो पोस्ट आप सबमिट करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपको एनवेलप पे लिखना है, टॉप ऑफ द एनवेलप आपको लिखना है उस पोस्ट का नाम। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बाकी डिटेल्स। ऑनली ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो भी इन विलेजेस के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर इनके लिए गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है
न्यू पोस्ट्स, क्लास फोर्थ पोस्ट्स हैं। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। मिलते हैं अपने इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।